लुकेस मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। रो रही सुम्बुल को लगाया है अब्दुल रोजिक ने गले। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि टास्क के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, दंड दिया गया है 3 लोगों को और अभी तक भी जो है इसकी आबादी अभी तक खत्म नहीं हुई है। जब तक बिग बॉस नहीं बोलते हैं तब तक इन लोगों को शील्ड जो है अपने पीठ पे उठा के ही रखना पड़ेगा और ये तीनों जो है बराबरी वो दंड जो है वो ले भी रहे हैं। इसके बाद जो है क्या मालूम बिग बॉस जो है इन तीनों को नॉमिनेट भी इस हफ्ते करते। शायद इसी चीज का डर और टेंशन जो है सुम्बुल के दिमाग में चल रही है। उनको अच्छा नहीं लगा जो लोगों ने उनके खिलाफ जो है काफी सारी बातें बोली और उनकी पीठ पे छुरा खोपा है। इसी बीच में सुम्बुल कहीं हंसती हुई नजर आ रही है पर कहीं ना कहीं वो उदास भी जरूर है। अपने आप को चेयर अप करने की कोशिश कर रही है पर काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रही है। एक जगह पर वो बैठी होती है जहां पर ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो रो रही हो। हालांकि शालिन के साथ भी जब वो बात कर रही थी तब भी उनका रोना बस निकलने ही वाला था पर सुम्बुल ने जो है अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया। इसी बीच में जब उदास देखते हैं सुम्बुल को अब्दुल रोजिक जो है आके उनको गले मिलते हैं और बोलते कहां गई वो एनर्जी, लेट चलो देन हम लोग फाइट करते हैं। जहां पर सुम्बुल बोलती है कि नहीं एनर्जी है पर अभी फाइट नहीं करेंगे, कुछ देर के बाद फाइट्स करेंगे। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था कि सुम्बुल और अब्दुल रोजिक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, काफी ज्यादा फाइट करते हुए कल रात को जो है वो नजर आए, चप्पले सुम्बुल ने उठा ली, पूरे घर में जो है खेलते हुए कूदते हुए नजर आए थे ये दोनों। पर आज जो है सुम्बुल बहुत ज्यादा उदास है। पता नहीं अब बिग बॉस जो है क्या डिसीजन लेंगे, क्या इन लोगों को नॉमिनेट कर देंगे या कुछ और ही पैंतरा वो इस बार खेलने वाले हैं। जब बिग बॉस बोलेंगे तभी पता चलेगा, पर हम आप तक जानकारी प्रॉपर पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।